नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार हम शख्सियत में एक नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, ऐसे ही आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं। वो हैं लखनऊ की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी, जिनसे आज हम उनके सफर पे बात करने वाले हैं। तो सीधे चलिए रुक करते हैं मालिनी अवस्थी जी की तरफ कि उनका आज तक का सफर कैसा रहा। मैम, आपका हमारे शो शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में हम लोग एक नई शख्सियत की जर्नी पे बात करते हैं, उनका जो आज तक का सफ़र है कि कैसा उनका आज तक का सफ़र रहा था। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन की तरफ। आपका बचपन का जो था, आपका मिर्ज़ापुर का सफ़र कैसा था, आपका बचपन कैसा था, वो हमें आप बताइए। ये तो बहुत लंबी कहानी है, कई किताबें समा जाएंगी इस पूरी यात्रा में। मैं बस इतना ही बताना चाहूँगी, पूरी यदि यात्रा का सफ़र आपको जानना है जी, कि एक संगीत प्रेमी परिवार में पैदा हुई जी, और एक ऐसे परिवार में पैदा हुई जहाँ पर संगीत के संग संग समाज से, देश से जुड़े हुए सरोकारों से बहुत सरोकार रखने वाले माता पिता थे जी। सबसे छोटी थी तीन भाई बहनों में, बहुत लाड़ प्यार और साथ ही साथ बढ़ावा बहुत मिला। भेदभाव, दुराव, ये क्या होता है ये कभी जाना ही नहीं, मुझे लगता कोई भी बच्चा नहीं जानता। बड़े होते हैं तब धीरे धीरे आपको संघर्ष समझ में आता है। चूंकि मैंने संगीत सीखा और संगीत सीखने के संग संग उस दौर में कम से कम खूब कॉम्पिटिशन्स होते थे, खूब सारी इम्तिहान होते थे, प्रतियोगिताएँ होती थी शहर के स्तर की, फिर ज़िले के स्तर की, फिर स्टेट लेवल की। उनको जब आप उनमें हिस्सा लेने लगते हैं तो उसके दो उसके आप कह लीजिए कि इनाम या जो भी कह ले वो मिलते हैं। एक तो पहला ये कि हिम्मत खुलती है जी, बढ़ावा मिलता है, आपकी हिचक ख़त्म होती है, आपको एक्सपोजर मिलता है। दूसरा ये कि कॉम्पिटिटिवनेस जब आती है तो आप दुनिया बहुत देखते हैं जी, कैसे ऑड्स भी आपके मतलब साथ हों, आप चीज़ें हवा आपके रुख के साथ ना बह रही हो तो भी कैसे अपने काम करना है, कैसे गा के निकलना है, ये भी कॉम्पिटिशन आपको सिखा देते हैं जी। तो मुझे लगता है कि वो पूरा दौर सीखने का जी, और गाने का, पढ़ने का, दौड़ने का और सबसे मिलने का दौर था पूरा मेरा बचपन। क्योंकि पिता डॉक्टर थे और जाहिर है आप समझ सकते हैं जिला अस्पताल में डॉक्टर थे, अस्पताल के कैंपस में घर था और वो दौर अलग था। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स क्या, वैसे भी पूरे परिवार में कोई बीमार हो रहा है तो एडमिट हो रहा है, दिखाने आ रहे हैं, मदद के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग एक बहुत भरे पूरे परिवार से, जहाँ पर पिताजी 3 बजे भी उठ के जा रहे हैं, कोई भी दूर का भी कोई रिश्तेदार है तो वो 10-10 दिन पूरा इलाज करा के जा रहा है जी। एक बहुत, मैं कह सकती हूँ, सुलझे हुए, एक बहुत खूबसूरत माहौल में परवरिश हुई जी। और उसी बहुत छोटी उम्र में बहुत अच्छे गुरु मिले, शुजात हुसैन खान साहब, राहत अली खान साहब गोरखपुर में जी, उनसे सीखना शुरू किया। लेकिन आपने मिर्ज़ापुर का नाम लिया, मिर्ज़ापुर में तो मैंने एक तरह से होश संभाला और गोरखपुर, तीनों शहर मिला करके मेरी एक फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी जिसको कह सकते हैं वो बन गया था जी। बाकी मैम, ये है कि आपका स्कूलिंग कैसा रहा, स्कूलिंग टाइम का वो दौर कैसा था, मतलब कि स्कूलिंग एंड ग्रेजुएशन। हम बहुत अच्छे स्कूल में माउंट कामल में पढ़े जी, जहाँ पे बे इंतहाशा कॉम्पिटिशन उस ज़माने में, मुझे लगता है वो दौर अलग था। या तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत थे। मैं बार बार यूँ इसलिए कहती हूँ क्योंकि जीतना हारना वाकई मायने नहीं रखता। उम्र के इस दौर में मैं कह सकती हूँ उस समय बहुत बड़ी बात लगती है या ज्ञान की बातें लगती है कि किसी को आप दिलासा देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं जी, वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपने चीज़ें देख ली, जो जो चीज़ें कर ली, अब आप सोचिए स्कूल में हम लोगों ने उस समय रामचरित मानस के कॉम्पिटिशन जी, मानस की चौपाइयों की प्रतियोगिता होती थी, हमने उसी बहाने मानस पढ़ी जी। गोरक्षनाथ पीठ थी वहाँ पे संस्कृत संभाषण की प्रतियोगिता, उसमें उसके बहाने गीतामृतन पढ़ा, फिर मैंने मेघदूतम पढ़ा। और ये कब, जब मैं 13-14 साल की उम्र की थी। उसका फ़र्क क्या पड़ा कि ग्रेजुएशन तक में संस्कृत मेरे साथ रही। ये गोरक्षनाथ पीठ की प्रतियोगिताएँ जो हर साल हम गोरखपुर में लेते थे उसका नतीजा है। फिर नाटक की प्रतियोगिताएं हैं, सब गाने की हैं, गज़लों की हैं, क्लासिकल की, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की प्रतियोगिताएं हैं जी। तो मैं शायद एक्सेप्शनल चाइल्ड थी उस मामले में
मुझे जूझना अच्छा लगता था जी। आज भी जूझ रही हूँ और ये लगता मुझे जूझने का वो तेवर, वो बचपन का सबसे बड़ा हासिल है कि जब आप हार जीत के खौफ से अलग हो करके आप बस जिंदा रहने के लिए आप जुड़ते हैं, सीखने के लिए जुड़ते हैं जी। तो मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से गाने की दिलचस्पी आपकी शुरू से जहन में आपकी बसी हुई थी और वहीं से आपकी शुरुआत हुई थी गाने की जी। माता पिता ने उस, मैंने जब कहा संगीत प्रेमी है जी, तो संगीत प्रेमी इसीलिए कहा क्योंकि हमारे तो आंखें खुली तो पहला संस्कार संगीत का ही देखा सुना जी। और माता पिता ने ही गुरुओं तक पहुंचाया, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में भी बड़े बड़े कलाकारों तक सुनाना, हमको ले करके जाना कि देखो ये गुदई महाराज जी हैं, ये तबला, हमें क्या मालूम था 7 बरस की उम्र में जी। ये माता पिता की देन थी और उन्होंने ही शायद उस प्रतिभा को देखा, पहचाना जी। लेकिन बतौर कलाकार, एक बच्चे में संगीत का फन है या टैलेंट है या एक उसमें दीवानगी है, कुछ तो इंसान खुद ले के पैदा होता है जी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई गाता नहीं था, मतलब कोई माता पिता कोई नहीं गाते थे, सुनने का शौक था जी। तो मुझे लगता है हो सकता है ये, और मैं मानती हूँ कि संगीत की यात्रा एक जन्मों की हो ही नहीं सकती जी जी। ये कई चीज़ें होती हैं, कई समय का है, क्योंकि सुर ईश्वर बहुत प्रेम जिसे करते हैं उसको ही देते हैं जी। मुझे लगता है क्योंकि अपने गुरुओं को सुना है मैंने जी, सुर का असर देखा है जी। कितनी भी थकन हो, कितना भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप परेशान हो, कुछ अच्छा सुन लें, कैसे आपके सारे दिमागी चीज़ें आपकी हवा हो जाती हैं और आप तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। इसका ये प्रमाण है इस बात का जी कि संगीत या सुर ये देवी देन है, ईश्वर ने देकर भेजा। इसीलिए मैं कहती हूँ गुरु भी देवी कृपा से मिले जी। माता पिता, मुझे ऐसे घर में जन्म मिला जहाँ शायद ये यात्रा आगे बढ़े जी। तो आप पेरेंट्स से ही इंस्पायर्ड रहीं क्योंकि उनको भी गाने का शौक था, तो और यहीं से नहीं, गाने का शौक नहीं था जी, और माता पिता से तो हर बच्चा इंस्पायर्ड होता है, इंस्पायर्ड होता है। मैं तो ये कह सकती हूँ संगीत का जो माहौल भी मैंने देखा जाना, वो भी माता पिता की बदौलत, क्योंकि एक तो हम, मैं भी लड़की थी और वो भी हम बात कर रहे समय 70 के दशक में जी। तो जाहिर हम वहीं जाएंगे जहाँ माता पिता ले जाएंगे, जो सुनेंगे वही, वो यूट्यूब का तो दौर था नहीं, आपके माता पिता एक तरह से आपको गढ़ते थे, आज भी गढ़ते हैं, लेकिन उस समय तो बिल्कुल, अब तो वो शुरू से सुबह रामचरितमानस बज रही है, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम हो रहे, दिन भर रेडियो चलता था, तो उससे अच्छा संगीत, अच्छा सुर, उसकी समझ कह सकते हैं माता पिता की देन थी जी। अच्छा मैम, आपको कभी लगा, जैसे आपने बोला अभी कि आपके पिता डॉक्टर थे, फादर डॉक्टर थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कभी उस तरफ रुख नहीं किया कि मुझे भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, या आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं चाहा कि आपको भी मेडिकल फील्ड में भेजना चाहिए? नहीं, देखिए संगीत की एक लॉ होती है जी, जल जाती है तो जल जाती है, जिस ओर लग जाती है तो वो, मुझे लगता है दैट ओवर पावर्ड मी वो एक, क्योंकि जो संगीत फिर करता है, सीखता है या गाने लगता है, उसे चीज़ें समझ में आने लगती, उसे फिर कुछ और नहीं समझ में आता। मैं इसलिए बात और यहाँ पे आपने पूछा है तो बताती चलूँ कि मैं पढ़ाई में मैंने टॉप किया हाई स्कूल में, 12th में अपने स्कूल में मेरी फर्स्ट पोजीशन थी कामल में, और प्रदेश में मेरी 12वीं पोजीशन थी इन द स्टेट, यूपी बोर्ड में। उस समय यूपी बोर्ड में नंबर लाना बड़ी मुश्किल माना जाता था 82-84 में, और मेरे 3-3 सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन थे। हिंदी में डिस्टिंक्शन कभी किसी ने नहीं सुना था, तो हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री में डिस्टिंक्शन, तो आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। लेकिन मैंने ह्यूमैनिटीज़ शुरू से ही कला के विषय लिए थे, मैं लिखना पढ़ना चाहती थी, भारत को समझना चाहती थी, और मैंने शायद इसीलिए कुछ प्रतीक्षा करके, कुछ अपने आप को समय देकर, कुछ अपने आप को समझने का भी समय देकर अंतत्वगत्व किया वही जो मैं करना चाहती थी कि मैं देश को समझना चाहती थी, और वो अब समझ के नई पीढ़ी को समझाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि हम सब देश की सेवा अपने अपने जरिए करते हैं, ये जो मनुष्य मन तन मिला है ईश्वर ने दिया है एक मकसद से दिया है, अभी आपके ऊपर है कि आप ईश्वर के उस संदेश को समझे या ना समझे। मेरे पिता ऐसे डॉक्टर थे कि जो 90 वर्ष के होने तक अंतिम समय तक सक्रिय रहे, मेरे ससुर IIT के इंजीनियर थे, अंतिम समय तक हमारे जो सहायक है उनके बच्चों को पढ़ाते रहे जी। मेरे फादर इन लॉ, तो मुझे मेरे पति हैं, मैं देखती हूँ दिन रात
सेवा में, तो ये अपने ऊपर है कि आप उस जीवन का क्या उद्देश्य लेती हैं। तो शायद ये समझ में आ गया था कि ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर बन करके सेवा करूं, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी जिससे देश की सेवा हो जी। और वो मुझे लगता हर इंसान अपने अंदाज से चाहे, तो मैं जैसे अभी कश्मीर गई थी जी। तो मैं अभी 2 दिन पहले ही लौटी हूँ कश्मीर से जी। पिछले 6 दिन से मैं कश्मीर की पोस्ट डाल रही हूँ, बहुत सारे लोगों को देख करके लगा कि अच्छा कश्मीर जाने लायक है, लोग जा सकते हैं। और मैंने वहाँ पे कश्मीर के जो मंदिर हैं पुराने जी। उनके बारे में डाला, आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि अभी भी वहाँ पर वो उस रूप में है। तो आप कहीं ना कहीं संस्कृति की सेवा अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी इच्छा, अपने मेधा के हिसाब से कर सकते हैं, तो वही मैंने किया। बहुत अच्छी बात है मैम। बाकी ये है कि मैम आप अपने जो गुरु थी आपकी गिरजा देवी, उनकी गंडा बांध शिष्या कहलाती थी। आखिर ये गंडा कहलाती थी नहीं कहलाती कहलाती हैं, तो ये है कि गंडा बांध शिष्या से क्या मतलब होता है, तो वो समझाइए प्लीज। इसके लिए थोड़ा सा परंपराएं समझनी होगी और गुरु शिष्य परंपरा को समझना पड़ेगा जी, गंडा आपने देखा होगा तो गंडा बांधते हैं मैंने कलावा बांधते हैं जी। ये एक स्वीकारना होता है जी, जहाँ पर आप शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो, गुरु भी स्वीकारे जी कि हाँ ये मेरा शिष्य है, अभी कहीं भी जाके बता सकता है कि मेरा शिष्य है जी। तो इस तरह से गुरु सिखाते तो बहुत लोग को है, लेकिन गंडा बंद शिष्य कम होते हैं जिनको कि गंडा बांधना का मतलब कि गुरु ने भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से कह दिया हाँ ये मेरा शिष्य है या मेरी शिष्य है जी। तो वो एक तपस्या है, एक फिर माता पिता और संतान जैसा संबंध गुरु के साथ हो जाता है जी। जैसे कि मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे फिर माता पिता नहीं रहते, जैसे उनकी तरह ही होती है, ऐसे गुरु के न रहने पे भी 13 दिन का पूरा उनका भी श्राद्ध होगा, उनके भी वो बच्चे जैसा फिर आपका संबंध होता है, आप जीवन मरण का रिश्ता हो जाता है जी। और गुरु शिष्य परंपरा फिर खून के रिश्ते से बढ़ के होता है जी। मेरा सौभाग्य है कि अप्पा जी ने 2006 में जी। मुझे गंडा बांधा, सीखना हमने शुरू किया था उनसे 98 में, तो सीखने के 8 वर्ष बाद, और दुर्भाग्य से हम सबके बीच 3 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले वे नहीं रहीं, लेकिन अंतिम समय तक सक्रिय थीं, सिखा रही थीं, बात कर रही थीं जी। और उनके जैसा जीवन मैं भी कल्पना करती हूँ कि अंतिम समय तक सक्रिय थीं। एक कलाकार के लिए जितनी वे जितनी वे सक्रिय थीं जब युवा थे, वृद्धावस्था में 90 के होने को आई और तब भी आप समझिए बैठ कर आलती पालती मार के 3-3 घंटे वो कार्यक्रम देती थी जी। वैसा जीवन, वैसी ओजस्विता, वही मेरा भी प्राप्य है जी। आप भी अधिकतर परफॉर्मेंस आप उसी तरीके से उसी जी फॉर्म में देखिए, जो हमारे यहाँ जो हमने गुरु से सीखा जी, जो पूरा बंग की पद्धति, उसमें फिर उसी शैली में बैठ कर के वैसे ही गाना होगा जी। जो हम मंचीय कार्यक्रम उस तरह के करते हैं लोग गीतों के या कोई भी चीज़ जहाँ पे हजारों की भीड़ है और भीड़ को आपको दिखना भी मुश्किल होता है, वहाँ मैं खड़े होकर परफॉर्म करती हूँ। और ऐसे भी कार्यक्रम जहाँ पे लोग गीतों में हमें अपनी बात कह के पहुँचानी होती है, वो मुझे लगता है बैठ कर पाने में उसकी एक सीमाएँ हैं, एक बंधन है जी। तो इसलिए दोनों तरह से मैं कार्यक्रम देती हूँ, ये निर्भर करता है कि मंच कैसा है, किस चीज़ के लिए बुलाया गया। बाकी मैम आपने जब अपने गाने की शुरुआत की थी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए था, क्योंकि उस टाइम भोजपुरी गीत जो है वो काफ़ी अश्लीलता की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एक चैलेंज उसको डिफीट करके आगे बढ़ पाना एक बहुत बड़ी बात है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया? नहीं, जब मैंने शुरू किया तब तो ये सब कोई बात नहीं थी, 5-6 बरस की थी जब से गा रही हूँ मैं जी। ये एक दौर आया था जो मुझे लगता है 90s में, और उस समय 2000 अर्ली 2000 में जब ज़्यादा ही सब चीज़ें कॉमर्शलाइज हो गई जी, तो उस समय स्तर भी गिर गया कलाकारों का भी, गाने का भी जी। और उन गानों को सुन करके कभी कभी लगता था कि हे भगवान, बोली की लोकप्रियता का किस प्रकार दोहन कर रहे हैं कलाकार या ये कंपनीज जी। और मैं शुरू से बहुत बहुत कह लीजिए मुखर रही हूँ और दृढ़ रही हूँ अपने विचारों को लेकर, जो मुझे ठीक लगता रहा मैं वो उसके लिए अड़ती रही हूँ। तो मैंने विरोध किया और रियलिटी शोज़ मिले, उसमें जज बनी, उसके माध्यम से किया, या मंच पे ऐसे कलाकारों का बहिष्कार करके कि ऐसे मंच पे नहीं गई, या 2-4 बार मंच से भी फटकार दिया जी। और ये एक बात मैंने देखी है कि
सही आदमी से दुनिया डरती बहुत है जी। तो जैसे ये करना शुरू किया तो अपने आप लोग ऐसे लोग पहला तो अच्छा फ़ायदा हुआ, दूर हो गए, और जो फिर भी बुलाना चाहते थे वो सहम के बुलाने लगे जी। और उसका लाभ ये हुआ कि मैंने हमेशा से माना था कि चाहे कार्यक्रम कम करूं जी, लेकिन गुणवत्ता उसमें कायम रहे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम आज जो भी आपके सामने भी बोल रहे हैं जी, ये सब इतिहास बन रहा है। इतिहास माने इट इज़ अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ना। आज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, कल को लोग देखेंगे, कल को हम नहीं रहे, 5 साल बाद लोग देखेंगे, हमेशा देखेंगे। तो जो मैं कह रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो सब कल को एक आपके इतिहास में दर्ज होता जाता है जी। तो इसलिए ये मुझको शुरू से इस बात का बहुत मैं क्लियर थी कि मैं कम काम करूं, लेकिन जो करूं वो ऐसा करूं कि उसमें नाज हो। और एक बहुत बड़े वर्ग की लड़कियां जी, जो यदि इसको अपनाना चाहें, इस ओर आना चाहें, तो उनके नाम पे या उनकी माएँ भी कहें कि हाँ भाई मालिनी अवस्थी हैं, वो उनको वैसा तुम गाओ बजाओ या वैसे रहो तो अच्छा है। तो मुझे अच्छा लगता है बहुत सारी लड़कियाँ या बहुत सारी माएँ अपने बच्चियों के लिए कहती हैं। तो मैंने जब कर रही थी तब तो नहीं रियलाइज़ किया, अब लगता है कि पता नहीं कैसे ही हो गया जी। लेकिन कई सारे लोग जब उसको एक आदर्श की तरह देखते हैं तो और कुछ नहीं, ये लगता है कि आप जो कुछ हैं जी, जब आप कुछ होने की कोशिश नहीं करते जी, तभी ओरिजिनलिटी आती है जी। मैं यदि हम लोग के सामने इतने रोल मॉडल्स थे, लेकिन जब आप किसी के जैसा होना चाहते हैं जी, आप फिर अपने नहीं हो पाते जी। मेरे सामने भी मैंने यही किया कि मुझे जो लगता था कि मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत का डंका पूरे विश्व में बजना चाहिए, उसी सोच के हिसाब से मैंने गाना बजाना किया। दिन रात मेहनत की, लड़ी अड़ी खड़ी हुई, तीनों काम किए मैंने उसके लिए। और आज खुशी होती है मुझे कि दूर दूर से लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का लोक संगीत सोचते हैं तो आपका चेहरा सामने आता है जी। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि खूब सारी लड़कियां, चाहे लखनऊ की हों, बनारस की हों, कानपुर की हों, झांसी की हैं, मैं जानती हूँ मिर्ज़ापुर की हैं, गोरखपुर की हैं, खूब गा रही हैं लड़कियाँ और अच्छा अच्छा गा रही हैं जी। तो और क्या चाहिए जी। बाकी मैम, क्योंकि आपका फॉर्म बिल्कुल ही अलग है, जब आपने स्टार्ट किया था आपका फॉर्म बिल्कुल ही अलग है। उस टाइम पे बहुत लोगों ने ऐसा होगा, क्योंकि जब हम एक खासकर लड़कियां जब हम ऐसी कुछ चीज़ें स्टार्ट करती हैं तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अरे आप इस तरीके का फॉर्म लेके आए, ये कहाँ चलता है। देन जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अमिताभ बच्चन जी का, तो उनको भी AIR में रिजेक्ट कर दिया गया था, इतनी मोटी आवाज़ पे नहीं है। तो ऐसा कुछ फेस आपके सामने भी आया? आपने जिनका उदाहरण दिया उन्होंने फिर उसके बाद जी का पत्थर ऐसा साबित कर दिया कि फिर लोगों को उनकी आवाज़ के लिए अनुरोध करना पड़ता था कि भाई आपकी आवाज़ वॉइस ओवर के लिए चाहिए जी। कि सत्यजीत रे ने भी जब शतरंज की खिलाड़ी बनाई तो उनका उनकी वॉइस ली गई। ये देखिए दुनिया में हमेशा होता है, क्योंकि एक सेट फॉर्मूला पे हमारे यहाँ चलने की आदत है समाज जी, को उस सेट फॉर्मूला से जरा भी कोई, जैसे सड़क पे आप लोग, अब यहाँ कोई आया तो लोगों को तुरंत देखा जाते अरे ये कैसे लाइन से किनारे हुआ जी। भाई हो सकता है उसने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया है, जल्दी पहुँचेगा जी। तो ये एक हमारे यहाँ है, कोई भी अलग करता है, नया करता है, या नई चीज़ नई बात दिखती है तो आलोचना होती है, और आलोचना ज़रूरी भी है। मुझे लगता है आलोचना से एक तो पहली बात कलाकार के लिए, यदि वो ईमानदार है अपनी कला के प्रति, तो आलोचना का सामना करना भी ज़रूरी है। एक तो वो वेकअप कॉल होती है आपके लिए, रियलिटी चेक होता है आप कहाँ गलत कर रहे हैं। ईमानदार कलाकार है तो हमेशा अपने आलोचना से भले दुखी हो जी, लेकिन उसका 10% भी लेने लायक हुआ तो लेगा जी, और लेना चाहिए जी। तो मुझे लगता है कि ये एक हमेशा से कलाकारों के सामने एक ये चैलेंज रहता है कि जब भी कुछ नया होता है जी, तो उस पर भौंएं उठती हैं, मेरे साथ भी उठी। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप बहुत कन्विंस होते हैं जी, कि आप जो कर रहे हैं वो सही है तो वो 10 साल बाद फिर दुनिया आप ही के पीछे हो लेती है। पहले तो कहते कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर आप ही के रास्ते के पीछे चलते हैं। मेरे साथ तो बिल्कुल यही हुआ, और उसका कारण ये है कि आप सोचिए करीब 20 साल पहले मुझसे लोग कहते थे कि लोक संगीत को लेकर 3 घंटे तक एंटरटेन नहीं करा जा सकता जी। मैंने सबको प्रूव किया गलत, 3.5-3 घंटे तक मैं खड़े होकर परफॉर्म करती हूँ, लोग नाचते हैं, गाते हैं, मेरे साथ झूमते हैं जी, और एंटरटेन रहते हैं। पहली चीज़ ये उनकी गलत हुई। दूसरी, कई लोग कहते थे कि मैंने बनारस संघ की, जो आपने बात कही, एक परंपरागत ठुमरी की विधा सीखी है जी, और लोक संगीत अब छूट जाएगा,
या ये करेंगे तो लोकगीत में शास्त्रीयता आएगी, शास्त्रीय संगीत करूँगे तो लोकगीत आएगा। मैंने उस धारणा को भी झुठलाया कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग चीज़ें पूरी ईमानदारी के साथ की जा सकती हैं। तीसरा, कई लोगों ने कहा बहुत पॉपुलर हो जाएंगी तो ट्रेडिशन को छोड़ देंगी। एक ही सबसे बड़ा आपके ऊपर एक लोगों का कयास होता है जी। लेकिन मैं मुंबई नहीं गई, जब जब गानों को आना हुआ तो यहाँ आए मेरे पास जी। क्योंकि पहचान इससे तो मैं कहाँ जा सकती थी जी। और चौथी ये कि जो सबसे बड़ी है कि वो मुझे लगता है कि मैंने वो धारणा भी लोगों की बदली कि सफलता दिल्ली बम्बई में जाकर के मिल सकती है जी। अपने घर परिवार के साथ भी आप यदि चाहें तो अपनी जगह बना सकते हैं जी। वो मैंने पाया क्योंकि मैं परिवार के सुख के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मुझे ये सुख चाहिए था, मुझे वो भी चाहिए था जी। तो मैंने ऐसा रास्ता निकाला जी। कि मैं जो थी मैंने उसको ही अपना आंगन बना लिया कि मैं खुद नक्षिक यही हूँ, एक परंपरा में जीने वाली जी। भारतीयता पर अभिमान करने वाली जी। वैसे ही गीत संगीत था वैसी मैं थी जी। तो अब लोग कहते हैं आप ऐसी हैं, आप ऐसी, भैया मैं शुरू से ऐसी हूँ जी। अब आपका देखने का नज़रिया बदल जी, गया जी। तो मुझे लगता है जो लोग कभी यदि जो कहते हों वो तो हर बहादुर आदमी को सुनना पड़ता है। जब कोई पहली बार एवरेस्ट पे चला होगा तो लोगों ने कहा पागल है, बचेगा नहीं जी। लोगों ने जब चंद्रमा पे जाने की बात हुई तब भी लोगों ने कहा था, अब वो इतिहास में है जी। तो है तो मैम ये है कि जो आपने ये अलग फॉर्म लिया तो एक अलग पहचान बनाने के मोटिव से लिया। एक से एक बनारस की गायिकाएं सिद्धेश्वरी देवी जी, जी। विद्याधरी बाई जी, मेरी गुरु गिरजा देवी जी, सब जी। एक से एक ठुमरी के सब गए। और मैं ना अवधि भी नहीं मैंने लेकर आई, ना मैं बुंदेली लेकर आई, एक से एक गायक गाते रहे। मैंने शायद थोड़ा बहुत मुख्य धारा में लोकप्रिय बनाने का काम किया, मैं नहीं होती तो कोई और करता जी। ईश्वर चुनता है किसी ना किसी को, मैं नहीं मानती मैंने कुछ किया। लेकिन ये जो आपने एक सवाल पूछा है कि क्यों किया, चीज़ें जब कोई करने लगता है, मैंने पहले आपको उत्तर दे दिया, तो चीज़ें नकली होती हैं जी। आप जो हैं, मैं शुरू से ये गाती रही, मैं ऐसी चीज़ें करती रही हूँ, उनको मंच मिल गया, उनको लोकप्रियता मिल गई तो वो कहीं ना कहीं ब्रांड बन गया जी। लेकिन मुझको ये शुरू से विश्वास था कि जिसमें लोगों को दमखम नहीं दिखता जी, उन गीतों को मैं सामने लेके आऊँगी, इनमें दमखम ज़बरदस्त है जी। वो लोगों को नहीं दिखता था, मुझे दिखा, बस यही एक बात है जी। बाकी मैम ये है कि आपका पहला अवार्ड आपने कौन सा जीता था, मतलब पहला अवार्ड कब मिला आपको और कौन सी परफॉर्मेंस के लिए? पहला अवार्ड मुझे मिला सन 1977 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का जी। मैं गोरखपुर में क्लासिकल जी म्यूज़िक की जो बाल वर्ग में मैं वहाँ फर्स्ट आई गोरखपुर में, फिर डिवीज़न में फर्स्ट आई जी। फिर यहाँ पर आई थी और मैं यहाँ सेकेंड आई थी 1977 में, तब लखनऊ में रविंद्रालय में आकर हमने कार्यक्रम दिया था और यहाँ इनाम पाया था 77 में। वो एक बड़ा एक्सपोजर था, तो आप समझ सकते हैं कि कब की बुनियाद है, कब का ये वो है। गोरखपुर में तो बहुत कॉम्पिटिशन में गाती रही, बट शहर के बाहर परफॉर्मेंस एक लखनऊ, और फिर मैं 15 साल की थी तो PGI चंडीगढ़ में जी मैंने परफॉर्म किया था जी, चंडीगढ़ में। तो कई सारी चीज़ें, यहाँ तो जब गया था वो क्लासिकल गया था जी, वहाँ गई थी, मेरे ख्याल में गज़लें गाई थी जी, बहुत पुरानी बात है। बाकी आपको 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला, तो ये बहुत ही क्योंकि बहुत ही रेयर मिल पाता है और आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तब उस पर आप क्या कहेंगी? मतलब कभी मतलब बिन मांगे मोती मिले, मांगे बिना भीख, मतलब इस तरीके का चीज़ था, अचानक से मिला, तो कभी आपने गेस किया मतलब कि हम उस? नहीं नहीं कोई, मैंने मुझे तो दूसरी बात लगती थी, मुझे लगता था कि उत्तर प्रदेश की ओर से तो सबने आँख मूंद ली है जी, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बड़े लोक कलाकार हुए जी, और वो सब बिना पद्मश्री पाए चले गए। मुझे बड़ा उस बात का दुख जी, है। मैं 3-4 लोग का हमेशा नाम लेती हूँ, आला सम्राट थे लल्लू वाजपेयी जी, ज़बरदस्त बिरहा और कजरी गायक थे हमारे प्रयाग के राम कैलाश यादव जी, धोबिया के हमारे गाजीपुर के बहुत आदरणीय कलाकार थे बाबू नंदन जी जी, इनको तो कब का पद्मश्री मिल जाना चाहिए था, पद्म भूषण मिल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे लगता था कि इधर कोई किसी को, हाँ लोक संगीत है भी इधर वो नहीं था। तो जब मुझे मिला तो मैंने उत्तर प्रदेश के सभी लोक बोलियों को और लोक कलाकारों को समर्पित किया जी। मुझे प्रसन्नता हुई कि पिछले वर्ष हीरालाल यादव भैया को भी जी, जो प्रयाग बनारस से अब नहीं रहे हम लोग के बीच, बहुत बड़े कलाकार, उनको भी मिला जी। देखिए पद्मश्री क्या है, सरकार द्वारा एक
आपके काम को एक मुहर है, मुहर है एक शीर्ष स्तर पे कि हाँ भाई इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, सरकार इसको रिकॉग्नाइज करती है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने जिनको रिकॉग्नाइज नहीं किया उन्होंने काम अच्छे नहीं किए। हाँ डेफिनेटली पद्मश्री मिलने पे कौन नहीं प्रसन्न होगा और गौरवान्वित क्यों नहीं होगा, लेकिन अपने से ज़्यादा जैसा मैंने नाम लिया मुझे उत्तर प्रदेश के लोक संस्कृति के लिए गुमान हुआ जी। कि हमारे यहाँ वो बात है जी। जो जिसको कि सम्मान मिलना चाहिए और सरकार ने दिया है तो चौथा सबसे बड़ा सम्मान है जी सर आँखों पर। बाकी मैम आपका एक ठुमरी बहुत लोकप्रिय थी, थारे रहो बाके बिहारी, तो उसमें क्या खास मतलब ऐसा था, मतलब क्या खासियत एक थी जो एक उसने मतलब एक धूम मचा दी थी, एक धमाका एक तरीके से था, काफ़ी लोकप्रिय रहा, तो उसके बारे में बताया था। सारी ठुमरियाँ लोकप्रिय हैं, ये आप जो सुन रही है वो विकिपीडिया पे है ये शायद। हाँ जी जी जी। ठहरे रहो बाके श्याम रो, ठहरे रहो बाके श्याम, गगरिया में घर धरिया हो, ठहरे रहो बाके श्याम। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बनारस की बड़ी पुरानी ठुमरी है जी। और जब फिल्म पाकिजा में जब फिल्माई गई तो लखनऊ के अवध की कहानी थी वो, उसमें जब गुलाम हैदर साहब ने इस गाने को फिल्म लिया जो बाद में नौशाद साहब ने पूरा किया, तो ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे ठाड़े, शाम को यार कर दिया जी, ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ठाड़े रहियो ओ बाके यार, दोनों राग खमाज हैं, ये नृत्य के हिसाब से इसको उस हिसाब से ढाला गया, वो गायकी के हिसाब से ठुमरी है दोनों जी। आपका पहला सॉन्ग फोक म्यूजिक का कौन सा था? ऐसे तो याद करना बड़ा मुश्किल है, बहुत सारे गाने थे जी, मैं बता नहीं सकती, लेकिन एक मुझे छोटे में तो हम लोग बहुत सारे गाने गाते थे, सूरज मुख ना जइबे ना जइबे हाय राम, बिंदिया के रंग उड़ा जाए, और एक हम लोग गाते थे, रतन जड़ी कंगना लाए मोरे सजना, लाए मोरे सजना लियाए मोरे सजना, रतन जड़ी कंगना लाए मोरे सजना, बहुत सारे लोग गीतों का तो बहुत एक जखीरा रहा है, बहुत सारे गीत हम लोग गाते रहे हैं, मतलब खजाना है बहुत सारे गाने जी। बाकी ये है कि एक शिष्या होना, एक सीखना, कैसा लगता है जब आप एक शिष्या के तौर पे जब आप सीख रही थी, सीखना है और सिखाना है और सारी चीज़ें हैं, वो क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? वो तो बिना जिए नहीं आता जी, गुरु शिष्य परंपरा 20 साल का मेरा संबंध रहा है अप्पा जी के साथ जी, और 20 वर्ष तक जब आप जुड़े रहते हैं किसी से, सिर्फ गाना नहीं सीखते, दिन रात की बातें, रिश्ते नाते, संबंध, प्रेम, व्यवहार सब सीखते हैं गुरु से। आपको कोई चीज़ में आप अटक गए नहीं आ रही तो भी गुरु से बात आपने करी, गुरु ने कितनी उदारता से आपको समझाया, धैर्य आता है, सेवा भाव आता है, समर्पण आता है, बर्दाश्त आती है जी, क्या नहीं आता। और इसीलिए मैं नए बच्चों से कहती हूँ जो आज ये चार भाव जब तक नहीं होंगे, धीरज, समर्पण, सेवा जी और सबूरी, तब तक कोई संसार में आपको विद्या सिखा नहीं सकता। आज हम ताली बजाते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में मेडल ले आए, लेकिन कोई इस बात पे कभी भी अध्ययन करेगा कि उन्होंने 10 साल किस तरह समर्पित होकर के डांट भी खाई होगी गुरु की, खाली पेट पैदल चल करके 10-10 घंटे खाली देखा होगा कि कैसे किया जा रहा है जी, वो जो पेशेंस है, ऑब्जर्वेशन है जी, और बिना कुछ एक्सपेक्ट करे समर्पण जी, ये जब तक नहीं होगा तो चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, कंपटीशन हो, खेल हो, संगीत, नहीं आ सकता। तो जो आप मुझसे कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये तो मैं कैसे आपको 20 साल का लोखा जोखा बताऊँ, बस ये समझ लीजिए कि बहुत मेरा भाग्य पूर्व जन्मों के संचित कर्म की इस जीवन में उस प्रकार की शिष्या बनने का सौभाग्य मिला, गुरु का आशीर्वाद मिला,
और मैं स्वयं वैसी गुरु बनना चाहती हूँ। शिष्य हैं जो मुझसे सीख रहे हैं और वो भी उन अपने गुरु से सीख करके वो भी यहाँ आते हैं तो मेरे घर पे ही रुकते हैं जी। और अपने गुरु की भांति मैं उनसे कोई पैसा नहीं लेती जी। मेरे गुरु ने कभी एक रुपये नहीं लिया, जो शिष्य ने दिया अपनी इच्छा से दिया जी। जहाँ धन मुद्रा आ जाए तो वहाँ पे स्वार्थ आ जाता है। संगीत और कला दान गुरु का तब मिलता है जब गुरु का दिल जीत लिया जी। तब वो गुरु मुक्त भाव से देता है। गुरु शिष्य परंपरा का रहस्य इसी बात में ही छिपा है जी। तो मैंने वैसे सीखा जी, वैसे सिखा रही हूँ जी। और जब से दोनों बच्चों का ब्याह हो गया जी, तो इस काम में पूरी तरह से अपने आप को मैंने समर्पित कर दिया है। तो कोविड आने के कारण इसमें व्यवधान थोड़ा पड़ा है जी, लेकिन ईश्वर चाहेगा तो सब जी। गुरु जब जब जिस घराने के मिले उनसे सीखती गई जी। अपने गुरु से सीखने की मेरी मंशा बचपन से थी जी, हमारे गुरु से जी, गिरिजा देवी जी से जी। और उनसे सीखने का अवसर मुझे मिला है 98 में जी। तो जब अवसर मिला तब मैंने उनसे सीखना प्रारंभ किया। बनारस घराना मुझे हमेशा से अच्छा लगता रहा, लेकिन देखिए कोई चेज करके रेस नहीं है ये जी। मैंने पहले ही बताया गुरु का मन जीतना पड़ता है। ये तो वही है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो जी। जैसे जैसे आप इसमें डूबते जाएंगे तब तक आपको समझ में आता जाएगा। संगीत का घराना वही है जी। हमने रामपुर सहसवान घराने में सीखा, हमने पटियाला घराने में सीखा, हमारे गुरु वहाँ के थे जी। जब मैंने अप्पा जी से सीखना प्रारंभ किया बनारस घराना जी, तो दो पहले के घरानों की छाप बहुत अमिट थी जी। अप्पा जी से सीखने के लिए उनको भी मिटाना पड़ा जी, या कम धूमिल करना पड़ा तब जा करके जी। लेकिन मेरे गुरु ने इस तरह मुझे सिखाया और मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल आदमी ऐसा बनता है जी। कि आज मुझे जो सुनता है तो मुझे बड़ी हंसी आती। लोग कहते हैं कि आप में देखिए वो गुरु भी बोल रहे हैं, आप में वो उस्ताद बोल रहे हैं, और वो होना भी चाहिए क्योंकि हम किसी की छाया नहीं है, एक हाड़ मास के जीते जागते इंसान है। तो मेरी गायकी मेरे विचार में जी, सब कुछ बोलेगा जैसे जी, माता पिता ने पैदा किया है। लेकिन हो सकता है कि मेरे व्यक्तित्व में आज मेरे कोई गुरु बोल रहे हों, मेरे कोई टीचर बोल रहा हूँ, मैंने किसी को देख के कुछ व्यक्तित्व सीखा हो, वो बोल रहा हो जी। तो ये एक आप जीवन में जिन जिन से सीखते हैं वो आपके व्यक्तित्व गाने बजाने कला में समा जाते हैं जी। तो बनारस घराना उनसे मैंने गंडा बंधवाया, मेरे गुरु हैं जी। और मेरे आत्मा में बसा हुआ है जी। और वो घराने को मैं जीवन भर बीत जाएगा तो पूरा शायद सीख पाऊँ जी, यही प्रार्थना जी। बाकी मैम आपने कभी अपने फोक एंड गज़लों के अलावा भी कभी किसी और फॉर्म में गाने? नहीं, और क्या बचा, सब कुछ तो गाती हूँ मैं। ठुमरी गाती हूँ, फोक में अवधि भोजपुरी गाती हूँ, गज़लें गाती हूँ, सूफी गाती हूँ, फिल्म में गाती हूँ। मेरे ख्याल में बहुत कम इतने ऐसे मल्टी, अभी तो गज़ल मैंने रिलीज़ की 2 महीने पहले और अभी ये गज़ल और आने जा रही है जी। सूफी, और अभी मैं कश्मीर गई थी तो मैंने कश्मीरी गाना गाया था। तो मुझे लगता है कि देखिए जब आप संगीत में, सबसे बड़ी खूबसूरती इसी बात की है कि आपको अलग अलग गुरुओं से जो जो प्रसाद मिलता है आप उसको सहेजते चले जी। और अड़े नहीं जी, हम तो यही गाएंगे, हम तो ये नहीं गाएंगे। ये कहीं ना कहीं जितना आप वैविध्य आपके संगीत में होगा जी, आपके जहन भी उतना ही खुलेगा जी। जब शादी हुई एक अलग माहौल आपको मिला क्योंकि आपका वहाँ सिंगिंग वाला माहौल था। हाँ, एक अलग परिवार जब होता है, जब मुझे लगता है हर लड़की विवाह के बाद जब दूसरे घर जाती है या अपने जीवन साथी के साथ एक नया जीवन प्रारंभ करती है, उसकी चैलेंजेस चुनौतियां बहुत अलग होती हैं जी। आप बच्चे होते हैं, नया परिवार, नया जीवन, नया संस्कार, और हर घर की आदत, खान पान सब कुछ अलग होता है जी। और हम लोग तो अब यहाँ पे आप जो बात करी 35 साल पुरानी बात है, तो 34 साल पहले तो एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी। आजकल तो बहुत वातावरण अलग है और बहुत आसान भी है मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि उस समय हमारे यहाँ एक सोच और भी थी कि शादी के बाद अब लड़की का कैरियर क्या, जो पति कर रहा है वही लड़की का भी जिंदगी। ये एक माता की भी सोच, सास की भी सोच, परिवार की एक नॉर्मल एक भारतीय परिवार की सोच थी कि अब शादी के बाद घर बच्चे परिवार यही है जी। तो जो परिवार की सोच थी वही मेरी भी सोच हुई जी। लेकिन जो मेरे भीतर एक मन था, कलाकार मन, या एक जो कह लीजिए जो एक अदम्य साधना करने की जो क्षमता थी जी, वो नहीं मरी जी, न वो रुकी न थमी जी। तो मैंने अध्ययन में वो समय पूरा बिताया जी, और समझने में बिताया कि मैं क्या करूं, कैसे करूं जी, किस तरह से वो चीज़ जो सीखी है उसको निकासी मिले। क्योंकि देखिए संगीत जो सीखा है उसको उसको अभिव्यक्ति चाहिए जी।
और वो बड़ा मुश्किल हो रहा था, छोटी छोटी जगह पोस्टिंग थी, वहाँ पर रियाज ही नहीं हो पाता था जी, तो परफॉर्मेंस की तो कौन कहे जी। और उस समय बड़ा मुश्किल भी था क्योंकि रेडियो दूरदर्शन में मैं गाती थी जी। उसके अलावा कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे जैसे आजकल सैटेलाइट चैनल्स हैं, यूट्यूब है, तब तो कुछ था नहीं जी। रेडियो में गाना भी एक बहुत प्रेस्टीज और बड़ी बात मानी, तो मैं ए ग्रेड आर्टिस्ट थी रेडियो के टीवी के लिए जी। तो भी छोटे छोटी जगह पोस्टिंग थी, आना वहाँ पे बच्चों को लेकर बस में चले आ रहे 6 घंटा और तब जाके परफॉर्म कर रहे हैं, वापस अकेले आ रहे हैं, बहुत बहुत लंबा संघर्ष रहा है मेरा जी। बस ये समझ लीजिए कि मैं बड़ी झुकने हो दबने और मतलब मैं फिर लहलहा उठी, बस यही समझ लीजिए। मैं इसके अलावा क्या कह सकती हूँ, क्योंकि ख़त्म होने के सारे चांसेस थे। कई बार क्या होता है कि माहौल आपके खिलाफ नहीं होता, आप स्वयं तय कर लेते हैं कि अब तो कुछ हो नहीं सकता जी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और जो कुछ हो सकता था मैंने, मुझे याद है मैं रियलिटी शो फिर सारेगामा में गई जी टीवी के, फिर अंताक्षरी में गई मैं जी। और प्रतियोगिता करती रही, मैं सीखना शुरू कर दिया अप्पा जी से उसी बीच में, जबकि मैं ऑलरेडी एक स्टैब्लिश सिंगर थी, मुझे कार्यक्रमों के लिए बुलाया जाता था, लेकिन फिर मैंने नए सिरे से सीखना शुरू किया क्योंकि मैं मानती थी कि भाई एक रास्ते पे चलना तो ज़रूरी है ही है जी। उसके लिए अहंकार नहीं रखा, नया चीज़ सीखनी है उसके लिए कि भाई हम सब सीखेंगे। जो मुझे याद है किसी कलाकार को अवार्ड मिल रहा है, उस अवार्ड फंक्शन में हमको गाने के लिए बुलाया जा रहा है 5,000 रुपये, मैं जा रही हूँ। तो कभी मैंने जो आज मैं देखती हूँ मैं नए बच्चों को कि बड़ा ईगो है या बड़ा एक एटीट्यूड है कि भाई हम वहाँ क्यों जाएं उनका, मैंने कभी नहीं रखा क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि वैसे ही कोई बुला नहीं रहा, वैसे कोई पूछ नहीं रहा, मुंबई में जा नहीं सकती परिवार को छोड़ करके, तो जो भी कार्यक्रम है कम से कम जो मैंने सीखा है वो रवा तो होगा जी, उसको आवाज़ तो मिलेगी, मैं तो अपने को जज कर पाऊंगी ठीक गा रही हूँ बुरा गा रही हूँ। आकाशवाणी रेडियो के आर्टिस्ट थे तो यहाँ भी जो बड़े बड़े फीचर्स होते थे किसी भी विषय पे, उसमें भी एज ए कोरस सिंगर जी, ए ग्रेड आर्टिस्ट लेकिन एज ए कोरस सिंगर मैंने गाया जी। लेकिन क्या है ना, जब आदमी सफल होता है तो ये कहानियाँ सुनना नहीं चाहता, उसको लगता है कि सक्सेस तो बाई चांस मिल गई है। ये जो 30 साल पापड़ 40 साल बेले हैं, अब आपको जब मैं बता रही हूँ कि संगीत नाटक आदमी की प्रतियोगिता मैंने 77 में जीती है, तो आप समझ लीजिए कि कितनी पुरानी बात है जी। लेकिन बस हार नहीं मानी, करती गई करती गई जी। और एक दिमाग में मेरे हमेशा से ज़रूर था कि बच्चों को बहुत अच्छा बनाना है, बच्चों की पढ़ाई में भी कहीं पर खलल ना आए, क्योंकि हस्बैंड की बहुत डिमांडिंग जॉब थी जी। तो दो में एक ही बहुत व्यस्त हो सकता था जी। तो वो समय पूरा मैंने परिवार को दिया। एक बार जहाँ बेटी भी 16 साल की हुई जी। और उसके बाद फिर मैंने पूरा अपना समय निकाला और दिया, तो इसलिए आज बहुत मेरे मन में संतोष है, मुझे ही नहीं मेरे परिवार में सबको, और मैं सबको ये बात कहती हूँ, मैं तो अपनी बेटी को भी कहती हूँ जब हर कोई की आज सबको ही ना आज ही सबको चाहिए, सबको आज ही 3 लाख की नौकरी चाहिए, सबको आज ही हीरो बनना है, सबको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, मैं सबसे कहती हूँ कि भैया धीरे 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 मना धीरे ही सब होए जी, माली सींचे 100 घड़ा जी, ऋतु आए तब फल हो जी। समय होता है हर चीज़ का, और वो मैंने पहले कहा ना कि इस पीढ़ी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पेशेंस की, सेवा की, समर्पण की और सबूरी की, ये चार चीज़ें आएंगी तो कुछ ऐसा नहीं है जो न मिल पाया। एक लास्ट ये था कि अभी अयोध्या में आपको शबरी का रोल मिला है तो उस पे आप क्या कहेगी? ये अयोध्या में रामलीला करते हैं, पहले शायद दिल्ली में करते थे, बॉम्बे में करते थे, जिसमें काफ़ी कलाकार वगैरह आते हैं जी। तो ये एक संयोग, पिछले साल भी इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था जी। और ये कितना इत्तफाक है, देखिए भाग्य भगवान राम, तो इन्होंने मुझसे कहा तो मैंने तब भी कहा था मैं शबरी करूँगी जी। उसमें दो मुझे कारण थे जी, एक तो शबरी का चरित्र मुझे बहुत किरदार पसंद है, सेवा भाव शबरी का जी, सरलता, दूसरा मैं लोकगीत गाती हूँ और शबरी जनजाति समुदाय से आती हैं जी, वन में रहने वाली एक प्रतीक्षा कर रही राम आएंगे जी, और दूसरा मैं शबरी के गीत भी गाती हूँ जी। तो मैंने उनको कहा था मैं शबरी करूँगी, उन्होंने कहा ठीक है। जो डेट आई मेरे बेटे का विवाह का, वही एंगेजमेंट की तिथियाँ थी, तो मैं कर नहीं पाई। अब की बार संयोग से देखिए रामायण मेला का उद्घाटन भी अयोध्या से हुआ जिसमें राष्ट्रपति जी आए जी, उसमें भी मुझको शबरी ही गाने को कहा गया, ये संयोग देखिए। तो मैंने शबरी का ही गीत गाया जहाँ माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे छोटी बहन कह करके संबोधित किया, और अब की बार फिर उन लोगों ने कहा कि मैडम क्या बनेंगी, कौशल्या ये वो, मैंने कहा नहीं
हमें शबरी करना है। एक तो फ़ायदा ये कि एक ही दिन का काम है, तो एक घंटे में करके आ जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है शबरी का, शबरी के राम एक अपने आप में राम को बहुत राममय बनाते हैं। कि शबरी ने जब राम की प्रतीक्षा की और बेर मुकोई आके भोग लगावे और नहीं शबरी घर सामा, और कुछ नहीं उनके घर में, सिर्फ बेर है, मकोई है, लेकिन वही खिलाना चाहती है क्योंकि मन में आतिथ्य का भाव है। तो भाव जो शबरी का है, यदि सबका वही हो जाए, और राम के लिए एक पूरे आगे की यात्रा के लिए शबरी जिस प्रकार का एक प्रस्थान बिंदु बनती है कि राम की व्याप्ति इस प्रकार की हो गई है कि वो वन से गुजरेंगे, शबरी इस प्रकार प्रतीक्षा कर रही हैं। मैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहती हूँ कि शबरी तर गई, मैं भी तर जाऊँ, उधर ही उम्र बढ़ रही है। आखिर में चाहेंगे मैम आप हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को एक मैसेज दें। बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत आभार देना चाहती हूँ कि आज इतने सुंदर वार्तालाप के लिए आप जुड़े मुझे सुन रहे हैं। और साथ में ये कहना चाहूँगी कि देखिए हम बहुत ही भयावह कोविड की दो लहरों से गुजर चुके हैं और अब त्योहारों का समय आने वाला है, तो त्यौहार मनाइए, पूरे उत्साह के साथ मनाइए, लेकिन कोविड के सारे जो भी जतन हैं वो अपनाते रहिए, जो भी परहेज करने चाहिए वो करते रहें, ताकि हम भारतीय और पूरी दुनिया भी इसके विषाणुओं से बची रहे। तो सुरक्षित रहिए और आपको नवरात्रि की और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपको हमारा समय देने के लिए। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में हमने बात की पद्मश्री से सम्मानित मालिनी अवस्थी जी से, जिनके आज तक के सफर में बारे में हमने बहुत ही खास रोचक जानकारियां हमें मिली हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।